सच्ची बात तो यह है कि नशा आजकल चारों तरफ इतना अधिक फैल गया है कि हमें सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि आने वाली जो पीढ़ी है कहीं अगर नशे के भंवर जाल में फंस गई तो समाज का क्या होगा, राज्य का क्या होगा, देश का क्या होगा और आने वाला समय कितना भयंकर हो सकता है इसके बारे में कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। मैंने यह सोचकर ये तय किया, चूंकि स्कूल की स्ट्रेंथ काफ़ी 1100-1200 की स्ट्रेंथ है, तो मेरे मन में ये आया कि कहीं हमें भी शिकायतें मिलने लगी थी कि नाहन में बड़ा भारी एक नशे का कारोबार चल रहा है और छोटे बच्चे चूंकि इस बारे में अवेयर नहीं होते, सावधान नहीं होते, तो उनके अंदर एक प्रवृत्ति इस तरफ बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से बहुत बड़ी चिंता का विषय हो गया था कि कहीं स्कूल के बच्चे, और वैसे ये सुनने भी आ रहा है कि बहुत से बच्चे जो डिफरेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ भी ये नशे का काम सुनाई देता है या यदा कदा बच्चे इस प्रकार की हालत में दिखाई देते हैं। अभी पीछे एक छोटी सी घटना घटी कि एक बच्चे को, हमारे ही एक विद्यार्थी है, उसने ये देखा कि कहीं नशे में पड़ा हुआ था और बहुत छोटा बच्चा था। जब उसे पूछा गया तो तुमने ऐसा ये क्यों, क्या हाल तुमने बड़ा बना रखा है, उसने वो लगभग रोने लगा और कहने लगा मैं तो अपनी माँ घर से चोरी करके भी नशे करने की कोशिश करता हूँ। ये इससे पहले मैंने विशेष तौर से अभियान इसलिए भी चलाया है कि मैंने अभी 2 दिन पहले सभी अखबारों में पंपलेट्स भी निकाले थे जिनमें यही संदेश दिया गया था कि माता पिता और हम सब मिलकर, समाज के सब प्रबुद्ध लोग मिलकर के इस प्रवृत्ति से लड़ें और जहां तक हो सके बच्चों को सुधारने का प्रयास करें। इसी सिलसिले में इसी अभियान की दूसरी कड़ी ये रैली है। इस रैली के माध्यम से मैं चाहता हूं कि समाज के हर वर्ग पर हमारा संदेश पहुंचे और लोग भी इसके प्रति जागरूक हों, अपने बच्चों के प्रति जागरूक हों। बच्चों सिर्फ एकमात्र उद्देश्य बच्चों को पढ़ाना नहीं होता बल्कि उनको घर में उनके क्रियाकलाप, उनकी गतिविधियों को देखना भी बहुत आवश्यक होता है। यही बहुत बड़ी तसल्ली बात, जरूरी नहीं है कि सेना पे ही, उसमें क्या नाम इसका आपका, सीमा पे ही हमारे अच्छे अधिकारी कहाँ से बनेंगे, अच्छे सज्जन आने वाले वक्त के सज्जन लोग कैसे बनेंगे। सर ये माइक कुछ बोलना पहले की यह है कि आप जो भी बोलना है सड़क में बोले, जो भी आपने नारे लगाने हैं सड़क में लगाए, यहाँ आवाजें मत करें। बच्चों पीछे वाले बच्चे कौन करो भाई, आवाज आए पब्लिक देखेगी आपको, जो साइलेंट है कभी मौका आएगी। बड़े बच्चे अगर बोलेंगे शोर मचाएंगे।
पर छपवाए हैं, अभी वो भी बांटने पर पोस्टर दे दिए बच्चों को। हाँ,